गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे आपके यूनिट 3 का सबसे लास्ट टॉपिक, डेट इज जनरल बेवल गियर डिजाइन। इसका सॉल्व करने का प्रोसेस सेम टू सेम स्पर गियर के जनरल डिजाइन जैसा ही रहेगा, बस आपको इनके क्वेश्चंस में कुछ मॉडिफिकेशंस दिखेंगे। ये आपके डाटा बुक, ये आपके नोट्स के पेज नंबर 276 में दिया हुआ है क्वेश्चन। जनरल डिजाइन में जनरली बहुत लिमिटेड डाटा गिवन रहता है और बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे एजम्पशंस पे। एक एग्जांपल दिया हुआ है पेज 276 नोट्स में, डिजाइन ए बेवल गियर ड्राइव टू ट्रांसमिट 10 किलोवाट एट 1440 आरपीएम एंड द गियर रेशियो इज 3। मतलब आपको तीन ही डाटा दिया हुआ है, एक पावर है 10 किलोवाट आरपीएम 1440 और गियर रेशियो डेट इज वेलोसिटी रेशियो आई डेट इज 3। इसका स्टेप 1 सेम टू सेम स्पर गियर जैसा रहेगा, दैट इज सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। चैप्टर 21.7 से आपको दिख रहा है कि गियर रेशियो आपका लेस देन 4 है, वहां से पिनियन और गियर के लिए दो मटेरियल ले लेंगे। सेम मटेरियल हमने स्पर गियर के लिए लिया था, दैट इज 45C8 एंड 35C8, वही ले लेंगे। और उनकी प्रॉपर्टीज आपको टेबल 21.8 में मिल जाएगा, उनकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यूज आपको लिख लेना है पिनियन के लिए और गियर के लिए, दोनों के लिए आपको मिल जाएगा। फिर हम आ जाएंगे स्टेप 2 में, जिसमें हमको निकालना है मिनिमम कोन डिस्टेंस बेस्ड ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेस। बेवल गियर केस में कोन डिस्टेंस होता है, बस इसको लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कोन डिस्टेंस होता क्या है। जैसे हमने लविस बकिंगम इक्वेशन में देखा था कि कोई ये बेवल गियर रहता है, ठीक है ना, तो इस लाइन को, इंक्लाइन लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, ये शाफ्ट एक्सिस पे एक पॉइंट पे आके मिलता है, डेट इज पॉइंट ओ। तो यहां से लेकर बेवल गियर के पीछे तक के हिस्से का डिस्टेंस को हम बोलते हैं, क्योंकि ये कोन बनाता है यहीं पर, ये इसलिए इसको बोलते हैं कोन डिस्टेंस, और हम इसको डिनोट कर रहे थे ए नॉट से। जनरल गियर डिजाइन में कोन डिस्टेंस को ए नॉट से ना डिनोट करके इसको डिनोट करेगा आर से। कुछ नोटेशंस यहां पर चेंज होंगे, है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा कि कोन डिस्टेंस ए नॉट की जगह आर है। और ये जो हम पिच एंगल लेते थे, जिसको हम जनरली पिनियन के लिए हम स्मॉल गामा बोलते थे, है ना, और जब हम बेवल गियर की बात करते थे तो उसके लिए बिग गामा बोलते थे, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो कोन एंगल है इसको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 लिया जाएगा। ये बस आपको ध्यान रखना है कि जो स्मॉल गामा है वो आपका बन जाएगा डेल्टा 1, और अगर कहीं पर बड़े गामा की बात आएगी वो रहेगा आपका डेल्टा 2। ऐसे आगे कोई भी नोटेशंस चेंज होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। बेसिकली अभी ध्यान रखना है कि जो आपको कोन डिस्टेंस है वो दिया हुआ है आर यहां पर। तो पेज नंबर आपका टेबल नंबर 21.28 स्ट्रेट बेवल गियर्स के लिए आप देखेंगे तो आर का एक बड़ा सा इक्वेशन मिलेगा आपको, ठीक है ना, उसको आप उतार लेंगे। इसे दिया हुआ है आर ग्रेटर देन इक्वल टू जाई वाई अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस 1 क्यूब रूट 0.72 जाई वाई माइनस 0.5 स्क्वायर ब्रैकेट सिग्मा सी इसका होल स्क्वायर है ई स्क्वायर ब्रैकेट एम टी अपॉन आई। अब इसमें से हमको एक एक की वैल्यूज निकालते जाना है। जैसा पहली वैल्यू हमको पता है कि आई की वैल्यू है 3, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। सेकंड है, पेज जाएंगे 21, टेबल नंबर 21.31 आप देखेंगे तो यहां पर आपको जाई वाई की वैल्यू मिलेगी, जो कि है जाई वाई यहां पर होता है आर वाई थ्री। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हम पहले ही ऑप्शन लेंगे कि स्पीड रिडक्शन है, शाफ्ट माउंटेड ऑन रोलर बियरिंग्स, और आई की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, मतलब एक रेंज में आ रही है आई 1 to 4, उसके लिए जाई वाई की वैल्यू होगी 3। और हमने लेविस बकिंगम भी देखा था
इक्वेशंस में कि ऐसा में ये जो जाई वाई है आपका आर बाई बी यहां के नोटेशन के हिसाब से हो रहा है, लेकिन अगर हम आर को ए नॉट रखें तो ए नॉट बी की वैल्यू भी हम 3 ही लेके चलते थे। ये दोनों के बीच में कोण डिस्टेंस और फेस विड्थ के बीच में जो रेशियो है, ये जो मैक्सिमम केस में हम 3 लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड रेशियो 3 ही होता है। तो यहां से भी डाटा बुक से हम इसको 3 लेंगे, क्योंकि हमारा जो आई की वैल्यू 1-4 के बीच में रेंज में आ रही है, तो आई वाई आपको मिल जाएगा 3। नेक्स्ट रोटेशन रहेगा सेम टू सेम स्पर गियर जैसा जैसा आपने निकाला था टेबल 21.29 से। आपको दोनों ही गियर आपके स्टील के हम मान के चले हैं, इसलिए उनका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थी, इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थी, वो निकलेगा 215 × 10³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट नोटेशन है डिजाइन टॉर्क का। डिजाइन टॉर्क एमटी होता है एमटी केडी के। ये आपका रेटेड टॉर्क है, ये डिजाइन टॉर्क है। रेटेड टॉर्क के लिए आपको पावर और आरपीएम चाहिए रहेगा, जो आपको दिया हुआ है। आपका रेटेड टॉर्क यहां से आ जाएगा 66314.56 और जैसा कि पहले दोनों गियर्स के डिजाइन करते वक्त भी मैंने बताया था कि केडी के की वैल्यू जब गियर डिजाइन हो जाता है और उसके डायमेंशंस निकल जाते हैं, उसके बाद ही आप एग्जैक्ट इनकी वैल्यूज पता कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल केस में हम केडी और के की वैल्यू फॉर सिमेट्रिक स्कीम हमेशा लेकर हम चलते हैं 1.3। ये दोनों को आप वापस में डिवाइड करेंगे तो आपको आपका डिजाइन टॉर्क मिल जाएगा, दैट इज 86208.93। बस अब एक ही टर्म बच गया है आपके लिए, दैट इज डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेबल 21.22 में दिया हुआ है आपका फॉर्मूला कि डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस इक्वल्स टू CRHRC KCL। ये तीनों की वैल्यूज हम ढूंढते हैं, उसके बाद ही हमको सिग्मा सी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल जाता है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले टेबल 21.23, क्योंकि हम पिनियन डिजाइन कर रहे हैं तो पिनियन का मटेरियल है आपका 45C8। हमने स्पर गियर के केस में भी इस चीज को लिया था, तो आप देखेंगे कि स्पर गियर के केस में थोड़ा सा अंतर हमने किया था कि जब स्पर गियर में लिया था आपके पास ये जो मटेरियल है आपके पिनियन का 45C8, ये दो जगह दिया हुआ है, एलॉय स्टील्स एंड कार्बन स्टील्स 40C8 एंड 45C8। फिर अगेन दिया हुआ है एलॉय स्टील्स एंड कार्बन स्टील्स 40C8 एंड 45C8। इनके हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस दोनों के अलग अलग है, एक का है हार्डनिंग एंड टेम्परिंग और एक का है सरफेस हार्डनिंग। स्पर गियर के केस में हमने सरफेस हार्डनिंग लेके चला था, तो इसलिए हमको एचआरसी मिला था 50, हमने ले लिया था, और सीआर की वैल्यू 23 ले लिया था। लेकिन यहां के केस में मैं थोड़ा सा इसको अलग कर दे रहा हूं, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस मैंने अलग कर दिया। आप तो सेम ले सकते हैं, सरफेस हार्डनिंग भी ले सकते हैं, मैंने इस बार इसको हार्डनिंग एंड टेम्परिंग ले लिया है नोट्स में। जो एचआरसी की वैल्यू फिर से आ रही है 40 to 55, तो इसका राउंड ऑफ एक वैल्यू हमने मीन वैल्यू अप्रोक्सीमेट ले लिया है, HRC इक्वल टू 50, और इसी लाइन में आगे आपको दिख रहा है CR की वैल्यू 26.5। अब हमको एक तीसरे टर्म की जरूरत रहेगी KCL। ये एक लाइफ फैक्टर होता है, मतलब गियर की लाइफ पता करना रहता है, और गियर की लाइफ तब पता चलती है जब हम कुछ एज्यूम करेंगे। तो हमने यहां पर फिर से एज्यूम किया हुआ है कि हमारा जो गियर है वो 10,000 आवर्स के लिए रोटेट हो रहा है, तो टेबल 21.18 से हमको एक इक्वेशन मिलता है उसका लाइफ साइकिल निकालने का, दैट इज n इक्वल्स टू 60 × RPM × टाइम इन आवर्स। ये तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 10^7 के टर्म्स में जमाएंगे, तो ये n की वैल्यू आएगी 86.4 × 10^7 साइकिल। अब इसी के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि हमारा KCL का वैल्यू क्या आएगा। तो फिर हमको जाना है टेबल 21.24 में। हमारा पिनियन जो है वो स्टील का है, जिसका हार्डनेस ग्रेटर देन 350 है और उसका लाइफ साइकिल 21 × 10^7 है, तो उससे KCL की वैल्यू हमको वहां से मिलेगी 0.585। अब HRC, CR और KCL तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा, जिसकी वैल्यू आ रही है 775.13 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर।
और इसी आगे प्रोसेस में जब हम डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस हम चेक करेंगे कि हमारे गियर में इंड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना आ रहा है, तो इस डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस से कम आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि हमारा डिजाइन सेफ रहेगा। इसको मतलब हमको इसकी वैल्यू को बाद में हमको चेक करना है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज को हम आर के इक्वेशन में अगर डाल के देखेंगे तो हमारा फाइनल जो आर आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 89.97। ये आपका पहले स्टेप से ये रिजल्ट आया, मतलब जो कोण डिस्टेंस है वो इस वैल्यू से 89.97 वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, पर कम नहीं कर सकते आप इसको। नेक्स्ट स्टेप इसमें दिया हुआ है मिनिमम एवरेज मॉड्यूल बेस्ड ऑन बेंडिंग स्ट्रेस। अब यहां पर एक टर्म यूज किया है एवरेज मॉड्यूल। हम फिर से बेवल गियर के कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। मैंने नॉर्मल क्लेचर में बताया था कि बेवल गियर का जो दांत है वो सामने साइड में इसकी मॉड्यूल कम रहता है और पीछे साइड में उसका मॉड्यूल ज्यादा रहता है, क्योंकि जैसे जैसे दांत का साइज है वो डिक्रीज होता है टुवर्ड अपेक्स पॉइंट में, इसलिए पीछे आपको मॉड्यूल ज्यादा मिलेगा और सामने की तरफ में उसका मॉड्यूल कम मिलेगा। इसलिए यहां पर जो इक्वेशन दिया हुआ है वो एवरेज मॉड्यूल का दिया हुआ है, या मीन मॉड्यूल उसको बोल सकते हैं, जो कि बीचों बीच आएगा। ठीक है, मतलब बीच में ये दोनों का अगर हम देखेंगे स्मॉल साइज और बिग साइज का जो बीच वाला पोर्शन है इसको उसने बोला है एवरेज मॉड्यूल, और एक जगह में अगर आपको ये मॉड्यूल निकालना है तो उसने उसको ट्रांसवर्स मॉड्यूल बोला है, जबकि सिंपल हम मॉड्यूल ही बोल सकते हैं, पर अभी के केस में इसको जो बड़े एंड पे जो मॉड्यूल निकल रहा है उसको ट्रांसवर्स मॉड्यूल बोला है, और जो बीचों बीच निकल रहा है उसको एवरेज मॉड्यूल या मीन मॉड्यूल बोला हुआ है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन इक्वेशन आपको वही दिया हुआ है टेबल 21.25 में बेवल गियर के लिए कि एवरेज मॉड्यूल का एक इक्वेशन दिया है एम ए वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.28 क्यूब रूट डिजाइन टॉर्क एम टी अपॉन वाई वी सिग्मा बी जाई एम जेड। अब इन टर्म्स को देखेंगे तो ऐसा ही कुछ इक्वेशन आपको स्पर गियर के लिए भी मिला हुआ था, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इन वैल्यूज को ढूंढने के लिए। आपके पास डिजाइन टॉर्क निकाल चुके हैं आप, आपको चाहिए रहेगा वाई, है ना, और वाई तब मिलता है, ये लेविस फॉर्म फैक्टर होता है, ये तब मिलता है जब आपको टीथ पता रहता है, लेकिन यहां पर हमको टीथ नहीं दिया, तो हम फिर से एज्यूम कर लेंगे लेट जेड वन इक्वल्स टू 20, और इसी के साथ हम जेड टू भी निकाल लेंगे जो कि होता है आई जेड वन और आई आपको दिया हुआ है 3, तो ये आ जाएगा 60। लेकिन हमने देखा है कि बेवल गियर या हेलिकल गियर के केस में जो लेविस फॉर्म फैक्टर है ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टीथ पे बेसिस पर नहीं निकलता है, ये वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ के बेसिस पर निकलता है, तो अब हमको बेवल गियर का वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ निकालना रहेगा, हमको पिनियन डिजाइन करना है, इसलिए हमको जेड वी वन की वैल्यू चाहिए रहेगी जो होता है जेड वन अपॉन कॉस डेल्टा वन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं डेल्टा वन इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि पिनियन का ये कोण एंगल है जो हम जो जिस एंगल को हम गामा लेके चलते थे उसी को अब की बार इस चैप्टर में डेल्टा वन से डिनोट किया जा रहा है, इसलिए ये हम पिनियन के लिए डेल्टा वन यूज कर रहे हैं। अब ये डेल्टा वन निकालने का भी हमारा तरीका था कि टेन इनवर्स स्मॉल गामा का जो इक्वेशन था वो डेल्टा वन का इक्वेशन बनेगा, या हम उसको ऐसा लिख सकते गामा इक्वल टू डेल्टा वन इक्वल टू टेन इनवर्स जेड वन अपॉन जेड टू। अब हमारे पास जेड वन और जेड टू है तो हमारा डेल्टा वन निकल के आ रहा है 18.43 डिग्री, और अगर इसी वैल्यूज को वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ के लिए निकालेंगे तो वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ पिनियन पे निकल जाएगा 21.08। अब हम जाएंगे टेबल 21.26 में क्योंकि वहां पर लेविस फॉर्म फैक्टर स्मॉल वाई का वैल्यूज दिए हुए हैं, और हम इंटरपोलेट करेंगे तो हमारा स्मॉल वाई भी हमको मिल जाएगा 0.396, ये इंटरपोलेट के बाद की वैल्यू है। वाई भी मिल गया, जाइम सिमिलरली सेम वैसे ही रहेगा, जाइम होता है फेस विड्थ अपॉन मॉड्यूल जिसका स्टैंडर्ड रेशियो हमेशा हम 10 लेके चलते हैं, तो जाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका 10,
हमारे पास जेड वन आ गया, अब बच गया है सिर्फ सिग्मा बी। तो सिग्मा बी का इक्वेशन भी दैट इज डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस, ये आपके पेज नंबर दिया था 21.15 में, फॉर रोटेशन इन वन डायरेक्शन 1.4 केबीएल अपॉन एन के सिग्मा इंटू सिग्मा माइनस वन। अब इन चार टर्म्स की वैल्यूज हमको निकालना है तो हमारा डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा हमें। ये सेम प्रोसेस है और सारी वैल्यूज भी सेम निकली, जैसे स्पर गियर में निकला था, जैसे कि एक एक करके हम टेबल देखते जाएंगे। टेबल 21.16 हमारा पिनियन स्टील है, हम इसे फॉर्जिंग से बनाएंगे और सरफेस हार्डनिंग करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एन की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2.5। सिमिलरली फ्रॉम टेबल 21.17 हमारा फिर से पिनियन स्टील है जिसका हार्डनेस ग्रेटर देन 350 है और लाइफ हमने निकाला था वो ग्रेटर देन 25×10^7 साइकिल्स है, तो हमारा केबीएल का वैल्यू आएगा 0.7। नेक्स्ट में हम टेबल 21.20 देखेंगे, हमारा पिनियन फ्री स्टील है, सरफेस हार्डनिंग किया है और एडेंडम मॉडिफिकेशन कोफिशिएंट जिसको हम कैपिटल एक्स बोलते हैं उसको हम जीरो मान के अगर चलेंगे तो उसमें आपको के सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी 1.5। लास्ट बचा आपका सिग्मा माइनस वन का वैल्यू जो आपको टेबल 21.21 में मिलेगा जिसमें हम पिनियन को फॉर्ज स्टील से बनाएंगे ये मान के चलेंगे। तो सिग्मा वन माइनस वन का एक फॉर्मूला दिया हुआ है 0.25 सिग्मा यू प्लस सिग्मा वाई प्लस 50 और अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ पिनियन का हमने स्टेप वन में लिखा था 45 सीए का जो दिया हुआ था उसको आप पुट अप करेंगे तो आपको सिग्मा माइनस वन भी मिल जाएगा दैट इज 295। अब इन चारों वैल्यूज को इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपके लिए डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा आपका 77.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आगे जाके किसी एक स्टेप में हम इस बेंडिंग स्ट्रेस को भी चेक करेंगे कि आपके गियर में जो इंड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू डिजाइन स्ट्रेस से कम आनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा डिजाइन सेफ है अगेंस्ट बेंडिंग। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं एम एवरेज निकालने के लिए, इसको जब हम पुट अप करेंगे तो हमारा एक एम एवरेज का वैल्यू यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर ये एम एवरेज आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3.09। तो सारी वैल्यूज को पुट अप करेंगे तो हमको मिल जाएगा एम एवरेज 3.09। लेकिन ये प्रोसेस यहां पर खत्म नहीं होगा, ये स्टेप वापस जहां से आपने इस एम एवरेज के फॉर्मूले को जिसको भी मैंने यहां लिखा हुआ था इसको देखेंगे तो उसके ठीक नीचे है ना टेबल 21.25 में ही ट्रांसवर्स मॉड्यूल का भी क्वेश्चन दिया है। एम एवरेज के टर्म्स में ट्रांसवर्स मॉड्यूल को उसने दिया है एम एवरेज प्लस बी बाई जेड वन साइन डेल्टा वन। मतलब अगर आपको किसी बेवल गियर का एवरेज मॉड्यूल पता है तो आप उसका लार्ज एंड ऑफ द टूथ पे जो उसका बिग मॉड्यूल है बड़ा मॉड्यूल वो भी आप पता कर सकते हैं, इसको उसने वो ट्रांसवर्स मॉड्यूल बोल रहा है। बेसिकली वो मॉड्यूल ही है तो उसको अलग नोटेशन देने के लिए वो ट्रांसवर्स मॉड्यूल बोल रहा है। बताया था ये पीछे तरफ का जो मॉड्यूल है ये वाला, ये एम टी भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको एम ए वी पता है। अब आप यहां ध्यान से देखेंगे आपके पास एम ए वी है जो कि है 3.09, आपके पास Z1 है 20, आपके पास डेल्टा 1 है 18.43, पर आपके पास फेस विड्थ अभी नहीं है क्योंकि अभी तक मॉड्यूल सेलेक्ट नहीं हुआ है तो गियर के बाकी डायमेंशन निकाल नहीं सकते। लेकिन हमारे पास एक चीज पता है हमको R, और ये दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन देखेंगे तो R बाई बी होता है इक्वल्स टू 3। अगर मैं इस B को ऊपर ले जाऊं तो यहां से B निकलता है R बाई 3। हमने R निकाल के रखा है, एक मिनिमम वैल्यू निकाल के रखी है R की 89.97, उसको अब हम यहां यूज करेंगे, B को रिप्लेस करेंगे R बाई 3 से, तो ये एम ए वी प्लस R बाई 3 जेड वन हो जाएगा साइन डेल्टा 1। एम ए वी 3.09, R की वैल्यू रखेंगे 89.97, यहां 3 है, यह 20 और ये 18.43, इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ट्रांसवर्स मॉड्यूल निकल के आ रहा है 3.57 mm। हम चले जाएंगे स्टेप थ्री में। स्टेप थ्री में हम गियर्स के डायमेंशंस निकालेंगे,
जिसमें हमको पहला डायमेंशन हमेशा सेलेक्ट करना पड़ता है स्टैंडर्ड मॉड्यूल की वैल्यू। इसके लिए स्पर गियर का सेम टेबल हम देखेंगे जो स्पर गियर के लिए यूज किए थे टेबल 21.1 में, है ना, चॉइस 1 में। इससे नेक्स्ट हायर वैल्यू हमको मिलेगा m इक्वल्स टू 4 mm। पर यहां पर फिर से ध्यान रखने वाली बात है कि हम बेवल गियर डिजाइन कर रहे हैं और हमने लेविस बकिंघम इक्वेशन में भी जहां पर हमने मॉड्यूल निकाला था तो एक चीज किया था कि हमारा जो भी मॉड्यूल कैलकुलेट हुआ था उससे स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो भी हमने बनाया था नेक्स्ट होल नंबर वैल्यू उसके बाद भी उसमें 1 mm और बढ़ा के मॉड्यूल को और बढ़ा दिया था ताकि हमारा डिजाइन सेफ रहे और सारे स्ट्रेसेस विद इन लिमिट्स आए। सेम वही प्रोसेस यहां पर भी करेंगे पर एक लाइन लिख के, टू अकाउंट फॉर हायर डायनेमिक लोड लेट एम इक्वल्स टू 5 mm। और इसका एक रीजन भी है, आपको बताया था उस टाइम में भी जब मैंने जो मॉड्यूल को, अगर स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो आया था उसको लेके सॉल्व किया था तो इसमें जो FOS था वो 1.005 आया था, मतलब बहुत पास आया था। वैसे इसको भी मैंने सॉल्व करके देखा था कि अगर मैं 4 mm लेके बाकी सॉल्व करूं तो मुझे दो स्ट्रेस को सेटिस्फाई करना रहता है, एक है कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक बेंडिंग स्ट्रेस। अगर आप 4 mm लेके आगे का प्रोसेस से सॉल्व करेंगे और ये जब दोनों स्टेप्स को सॉल्व करेंगे तो ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये मैंने कैलकुलेट किया है इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि 4 mm लेने से ये बेंडिंग स्ट्रेस को सेटिस्फाई नहीं करता है। और चूंकि डिजाइन एक इटरेशन प्रोसेस है और आपका इतना पूरा समय चले जाएगा आपको फिर से मॉड्यूल बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बेवल गियर के केस में कभी भी मॉड्यूल आता है उसको आप एक लाइन लिख के, टू अकाउंट फॉर हायर डायनेमिक लोड, आप उसके मॉड्यूल को फिर से बढ़ा सकते हैं। तो मैंने बढ़ा दिया यहां पर 5 mm। अब आपको ध्यान रखना रहेगा कि मॉड्यूल हमेशा कहीं पर भी लेंगे तो दैट इज 5 mm। अब इसके बाद बेवल गियर के सारे डायमेंशंस निकलते जाएंगे, है ना। मैंने इसको नोट्स में भी देखना है कहीं मेंशन किया हुआ है, इफ m इक्वल्स टू 4 mm इट विल नॉट सेटिस्फाई सिग्मा p। नेक्स्ट डायमेंशन है t1 जो कि होता है mz1, ये निकल के आया है आपका 100। नेक्स्ट है D2 जो कि होता है MZ2, ये निकल के आया आपका 300। अब हम बात करेंगे कौन डिस्टेंस निकालने के लिए। याद होगा आपको A0 का इक्वेशन था अंडर रूट D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। यहां हम कौन डिस्टेंस को R से डिनोट कर रहे हैं तो R का अगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे अंडर रूट D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर और यहां पर D1 और D2 की वैल्यूज डालेंगे तो ये R आपका निकल के आ रहा है 158.11। हमारा R 59.97 से ज्यादा होना चाहिए था और ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा ये प्रोसेस ठीक चल रहा है। हमारा कोण डिस्टेंस 89.97 से ज्यादा है 158.11। अब कहीं पर भी R लेना पड़ेगा तो हम एग्जैक्ट R इसी वैल्यू को पुट अप करेंगे। इसके बाद आपका आता है फेस विड्थ। इसके दो तरीके हैं, एक होता है 10 टाइम्स मॉड्यूल, इससे आपका आ रहा है b की वैल्यू 50 mm, और एक दूसरा रहता है R/3, इससे आता है आपका b का वैल्यू 52.7। स्पर गियर और हेलिकल गियर में भी हमने फेस विड्थ निकाला था लेकिन जिसकी ज्यादा वैल्यू दिखी थी उसको राउंड ऑफ करके ले लिया था, लेकिन लेविस बकिंघम इक्वेशन में हमने देखा है कि ये जो बी है ये भी यही दो इक्वेशन से निकलता है लेविस बकिंघम में भी, लेकिन जो स्मॉलर वैल्यू उसको लिया जाता है। बस बेवल गियर में ऐसा होता है कि जो फेस विड्थ की जो भी वैल्यू आती है उसमें से जो सबसे छोटी रहेगी उसी वैल्यू को हम फेस विड्थ बनाएंगे। तो यहां पर ये 52.7 है, इसका मतलब हम स्मॉलर वैल्यू लेंगे तो बी हमको मिल जाएगा 50। अब गियर डायमेंशन में एक और डायमेंशन बच गया जिसको हम निकालते थे, वो है वेलोसिटी ऑफ गियर जो पाई D1N1/60^6 लेते थे, लेकिन यहां के केस में थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा वो आपको आगे पता चलेगा, इसलिए यहां पर वेलोसिटी नहीं निकालेंगे, यहां पर सिर्फ मॉड्यूल D1, D2, R और B निकलेगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में अब आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस चेक करना है जो टेबल 21.28 में दिया हुआ है। सिग्मा सी बेवल गियर के लिए देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू 0.72 आर माइनस 0.5 बी अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब ई डिजाइन टॉर्क एम टी अपॉन
आई बी और ये अंडर रूट पर रहेगा, शुड बी लेस देन इक्वल टू डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब इसमें से अगर एक एक वैल्यू ढूंढते जाएंगे तो आपके पास आर है जो कि दिया हुआ है 158.11, आपके पास बी है जो दिया हुआ है 50, आपके पास आई है 3, ई की वैल्यू है 215 × 10³, मतलब इसके लिए से बच जाता है कि आपको पता करना है अब की बार आपका डिजाइन टॉर्क, क्योंकि डिजाइन टॉर्क में जो केडी और के की वैल्यू है, अब हमारे पास डायमेंशंस है तो उस केडी और के की वैल्यू मतलब डायनेमिक लोड फैक्टर और लोड कंसंट्रेशन फैक्टर, ये केडी और के को नाम मिला हुआ है ना, इनकी वैल्यू हमको एग्जैक्ट तरीके से मिल सकती है जब हमारे पास डायमेंशंस रहते हैं। ठीक है, तो हमने फिर से रेटेड टॉर्क की वैल्यू लिख ली है यहां पर जो आई थी 66314.56 न्यूटन मिलीमीटर, ये जो पावर आरपीएम से आया था। अब सबसे पहले हम निकालेंगे के की वैल्यू, ये आपको देखेंगे आप टेबल 21.11। अब इस टेबल पे देखेंगे तो टेबल पहले 21.10 देखिए, हमने के निकालने के लिए इस टेबल को यूज किया था जो 21.10 में दिया हुआ है। लोअर कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर स्टील गियर्स ऑफ क्वालिटी ग्रेड 8 हैविंग हार्डनेस एचबी ग्रेटर देन 350, पर ध्यान से देखेंगे लास्ट टाइम में ब्रैकेट में लिखा है कि ये टेबल यूज होता है सिर्फ स्पर और हेलिकल गियर्स के लिए, बेवल गियर्स के लिए टेबल यूज नहीं होता है, इसलिए मैं आपको जो टेबल बता रहा हूं वो 21.11 है। जब हमने स्पर गियर और हेलिकल गियर डिजाइन किया था तब हमने जो ये के की वैल्यू है ये 21.10 से लिया था टेबल नंबर, लेकिन स्पर गियर ये बेवल गियर के लिए हमको ये टेबल 21.11 यूज करना पड़ेगा जहां पर लिखा हुआ है लोड कंसंट्रेशन फैक्टर के फॉर बेवल गियर्स। अब इसका अगर कॉलम को देखेंगे तो इसमें है सरफेस हार्डनेस ऑफ द गियर्स, अगर आप देखेंगे दोनों का सरफेस हार्डनेस आपने स्टेप वन में लिया था कि दोनों का सरफेस हार्डनेस 350 से ज्यादा है, इसलिए मतलब हमको पहला रो सेलेक्ट करना पड़ेगा वेयर द हार्डनेस ऑफ गियर इज ग्रेटर देन 350 फॉर बोथ द गियर्स। इसके बाद जो सेकेंड कॉलम है वो बी अपॉन डी वन एवरेज का रेशियो है, बी अपॉन डी वन एवरेज, आपको समझ में आ रहा होगा ये भी डी वन एवरेज क्या है, इसको बता दूं मैं आपको एक बार फिर से कि ये बेवल गियर है, इसमें अगर आप डी वन कैलकुलेट करते हैं वो होता है उसके बिग एंड पे जहां पर गियर सबसे बड़ा रहता है, यहां पर किसी भी बेवल गियर का पिच सर्कल डायमीटर कैलकुलेट करते हैं और यहां पर इसका डी वन अगर यहां से कैलकुलेट करेंगे सामने तरफ से तो ये छोटा आएगा, यहां पर अगर ये वर्ड यूज कर रहा है डी वन एवरेज मतलब आपको ये जो डायमीटर निकालना है वो मिडिल में निकालना है। हमारे पास D1 निकला हुआ है 100 mm है, मतलब ये D1 एवरेज है ये 100 mm से कम आएगा, इसकी वैल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका इक्वेशन नीचे में दिया हुआ है दैट D1 एवरेज इक्वल्स टू M1Z1 इनटू R माइनस 0.5B अपॉन R। और इसमें आपको सारी वैल्यूज पता है तो आप यहां से डी वन एवरेज निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा आपको आर दिया हुआ है, आर ये जो एक्स फाइनल आर निकला है इसी को रखना है, बी की वैल्यू रहेगी 50, आर रहेगा 158.11, एमटी आपका ट्रांसवर्स वाला ये आप इसको रखेंगे 5 mm और जेड वन रखेंगे आप 20। ठीक है, आपने जो ले लिया है एम यही रखेंगे 5 mm और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका डी वन एवरेज आ रहा है 84.19, मतलब B अपॉन D1 एवरेज मतलब 50 अपॉन 84.19 आप करेंगे तो आपको एक रेशियो मिलेगा जो आएगा 0.59। अब हमने पहला केक एक टेबल के लिए हमने पहला रो सेलेक्ट किया है दैट इज ग्रेटर देन 350 फॉर बोथ द गियर्स और B अपॉन D1 एवरेज रेशियो के तीन कॉलम बने हुए हैं लेस देन इक्वल टू 1 to 1.6 और 1.6 to 1.8, तो ये दिख रहा है ये 0.59 लेस देन इक्वल टू 1 है इसलिए हमारा ये के की वैल्यू आ जाएगी 1.6। अब हम लेंगे डायनामिक लोड फैक्टर केडी, तो
इसके लिए जस्ट उसके बाद का जो टेबल है दैट इज टेबल 21.12, हमने स्पर गियर और हेलिकल गियर में इस टेबल को यूज किया था, ये सेम टेबल है केडी के लिए। बस यहां पर ध्यान रखना है कुछ चीजों का कि जैसा है, पहला है क्वालिटी ग्रेड, पहला कॉलम, उसके अंडर दो कॉलम और बने हुए हैं, सिलेंड्रिकल गियर और कोनिकल गियर। तो हमने जब भी स्पर गियर लिया था और हेलिकल गियर सेलेक्ट किया था तो वो सिलेंड्रिकल गियर से कलेक्ट किया था, अब की बार हमारे पास है कोनिकल गियर, क्योंकि बेवल गियर कोनिकल गियर के अंडर में आता है, इसलिए कोनिकल गियर वाला आपको देखना है ग्रेड। और उसके बाद सेकंड है आपका पिनियन का सरफेस हार्डनेस, पिनियन का हार्डनेस आपको मालूम है जो कि ग्रेटर देन 350 है। उसके बाद लिखा है स्पर एंड स्ट्रेट बेवल गियर्स, है ना, उसके लिए आपको वेलोसिटी चाहिए रहेगी, तो हम यहाँ पर वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आपको बताना भूल गया, नोट्स में वेलोसिटी भी कैलकुलेटेड है यहाँ पर, कि पाई बताया था कि यहाँ पर वेलोसिटी नहीं निकाले हैं, यहीं पर बी अपॉन डी वन एवरेज के बाद वेलोसिटी वाला स्टेप छूट गया। वेलोसिटी इक्वल्स टू उसका इक्वेशन दिया हुआ है आपके उसी बुक में, जहाँ पर डी वन एवरेज का फॉर्मूला है उसी के बगल में दिया हुआ है कि वी इक्वल्स टू पाई डी वन एवरेज एन वन अपॉन 60 × 10³। मतलब पाई डी वन एन वन की जगह पाई डी वन एवरेज एन वन है, तो ये वेलोसिटी निकल के आ रही है 6.35 मीटर पर सेकेंड। अब इसी वेलोसिटी के बेसिस पे हमारा सेलेक्ट होगा केडी की वैल्यू। तो स्पीड दिया हुआ है, नेक्स्ट आप चले जाएंगे टेबल फिर से, तो 1, 3, 8 और 12, मतलब ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी अप टू 8 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है कि गियर का ग्रेड क्या लेना है। सिलेंड्रिकल गियर में जब भी हमने स्पर गियर और हेलिकल गियर को यूज किया था तो वहां पर ग्रेड 8 लिया था, लेकिन अगर आप कोनिकल गियर में जाएंगे तो वहां पर अगर ग्रेड 8 लेंगे और बाकी सारी चीजों को मैच करेंगे, मतलब हार्डनेस ग्रेटर देन 350 और वेलोसिटी अप टू 8 मीटर पर सेकेंड, तो आपको देखेंगे कि कोनिकल गियर के ग्रेड 8 वाले सेक्शन को जब आप मैच करेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ मिलेगा एक डैश, वहां कोई वैल्यू लिखी नहीं हुई है ना। और अगर इसका मतलब ग्रेड 8 पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, अगर आप उससे नेक्स्ट हायर ग्रेड में जाएंगे ग्रेड 10 में, सॉरी लोअर ग्रेड में जाएंगे ग्रेड 10 में, तब भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रेड को स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तो अगर स्विच ओवर करेंगे ग्रेड 6 पे तो वहां पर जाके आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.4। इसलिए मैंने यहां पर ग्रेड 6 एज्यूम किया है बेवल गियर के केस में, क्योंकि उसमें एक वैल्यू दी हुई है केडी की जो आ रही है 1.4। ग्रेड 8 में कोई वैल्यू नहीं है, ग्रेड 10 में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने इस ग्रेड को चेंज कर दिया है यहां पर, क्योंकि मेरे को एक वैल्यू चाहिए इसकी, इसलिए मैंने इसका हायर ग्रेड ले लिया है, ये बेटर ग्रेड होता है ग्रेड 8 से। इसलिए ग्रेड 8 पे अगर हम ग्रेड 6 पे लेंगे तो केडी की वैल्यू निकल जाती 1.4। अब ये दोनों तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका डिजाइन टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आ रही है 148,544.61। अब इन वैल्यूज को आप पुट अप करेंगे यहां पर तो आपका इंड्यूस्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस ये आ रहा है 443.84। जो कि आपका डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस स्क्वायर ब्रैकेट सिग्मा सी जो आपने लिया था 775.13 से कम आएगा। इसके लिए फिर हम एक लाइन लिखेंगे दैट आवर डिजाइन इज सेफ अगेंस्ट वियर फेलियर। कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण वियर होता है, इसलिए द डिजाइन इज सेफ अगेंस्ट वियर फेलियर। लास्ट स्टेप 6 है इसमें आपका चेकिंग बेंडिंग स्ट्रेस फॉर इस बेवल गियर। तो स्टेट बेवल गियर के लिए फिर से इक्वेशन जाएंगे टेबल 21.15 में, वहां सिग्मी बी का इक्वेशन दिया हुआ है आर अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर माइनस 0.5 बी का होल स्क्वायर इंटू बी इंटू एम इंटू वाई वी मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट एम टी इंटू 1 अपॉन कॉस अल्फा। ये इक्वेशन दिया हुआ है should be less than equal to square bracket, मतलब design bending stress से कम आना चाहिए। इसमें हमको सारी values पता है, पर एक नया term आपको दिख रहा होगा एक alpha। ये alpha आपका वही pressure angle है जिसको हमको हमेशा लेना रहता है 20 degree, ये ध्यान रखेंगे। बाकी आपको R मालूम है 158.11 आया है, I की value है 3, design torque ये अभी निकला है, B आपका रहेगा 50, module आपका रहेगा 5 mm और Y भी आपने कहीं निकाला था है ना, अभी यहाँ बोर्ड पर नहीं दिख रहा पर वाई वी जो आपने निकाला था उसी को आप पुट अप करेंगे, क्योंकि आपने जेड को चेंज नहीं किया, जेड वन जो 20 मार के चला था उस पर जो वाई वी निकला था उसी को आप रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस भी आ रहा है 45.06
जो कि कम है आपके डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस से, जो उस वक्त आया था 77.09। तो लास्ट लाइन से हम खत्म करेंगे, हैंस द डिजाइन इज सेफ अगेंस्ट बेंडिंग फेलियर। तो यहां जाके आपका यूनिट 3 का पोर्शन कंप्लीटली खत्म हो जाता है। इसमें हमने डिजाइन ऑफ हेलिकल गियर भी पढ़ लिया है और डिजाइन ऑफ बेवल गियर भी पढ़ लिया है। थैंक यू।